गर्मियाँ आ गई हैं और हमारे सबके घर में अचार तो पड़ता ही है, तो अचार बनाना तो सबको ही आता है, लेकिन मेन बात होती है कि अचार को हम 1 साल या 2 साल तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपकी परेशानियों का हल लाई हूँ, कुछ ऐसे ट्रिप बताऊँगी आपको जो आप 1 साल की जगह 2 साल अचार बना के रख सकते हैं और बहुत टेस्टी चटपटा अचार हम बना के तैयार करेंगे। ये देखिए मेरे 1 साल पुराना अचार है, आज भी इसी तरीके से रखा हुआ है और हम खा रहे हैं और बहुत टेस्टी अचार बना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, चलते हैं अपनी किचन की ओर। मैं हूँ रेखा, रेखा की रेसिपी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अचार बनाने के लिए चाहिए आम, तो ये हमने आम ले लिए हैं, ये हमारे पेड़ के ही आम हैं, तो हमने हर साल अचार गिरते ही हैं। तो फ्रेंड्स अब इनको काट के और हम सुखा लेते हैं, 1 दिन की धूप लगानी है हमें। ये कुछ मसाले लिए हैं हमने, तो हमने 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम हमने सौंप ली है और हमने 100 ग्राम ही धनिया और 100 ग्राम हमने लिए सरसों और मिर्चा कुछ खड़ी ली हैं, हम पिसी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खड़ी मिर्च करेंगे। तो धनिया को घेर के कढ़ाई में 1 मिनट हमें भूनना है और 1 मिनट धनिया भूनते ही फिर हमें उसमें घेर देनी है। मसालों को घेर के और थोड़ा सा हल्का हमें रोस्ट करना है ताकि हमारे मसालों का अच्छे से टेस्ट बढ़ जाए। अब इनका दरदरा एक पाउडर बना लेते हैं, बारीक नहीं करना है। 1 कढ़ाई में हमने तेल घेर दिया है, तेल हमें ज़्यादा नहीं घेरना है पहले, तो अब तेल को हम धुआं निकलने तक गर्म कर लेते हैं। तेल हमने गर्म कर लिया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और देखिए ये हमने आम को बिगर हल्दी और नमक लगाए हमने इसको सुखाया था, 1 दिन की धूप लगाई थी। अगर हम हल्दी नमक लगा के सुखाते हैं तो इसमें क्या होता है कि पानी निकलने लगता है, जिससे हमारा अचार ज़्यादा दिन नहीं चलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मसाले घेर देते हैं, हल्दी थोड़ी ज़्यादा घेरनी है। अब जो हमने मिर्चा ली थी सूखी, उन्हें हमने पीस लिया था, दरदरा मिर्चों को भी, और ये हमने जीरा कुछ हमने भुना नहीं था जीरा, हमने थोड़ा सा दरदरा जीरा भी पीस लिया है। नमक घेर देते हैं, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही घेरिएगा अचार में। और ये मेरे आम कम से कम 2 किलो के करीब, 2 जगह मैं अचार बनाऊँगी अपना, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है फ्रेंड। अब घेर देते हैं गुनगुना इसमें तेल, तेल हमारा बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं था, गुनगुना था। अब घेर के सारे मसालों को अच्छे से हमें मिलाना है ताकि हमारे मसाले आम में एकदम अच्छे से मिल जाएं, जिससे कि हमारा टेस्ट एकदम अचार का बढ़ जाए। आप एक बार इस तरीके से अचार बना के देखिएगा, आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। अब ले लेते हैं एक जाल, आप प्लास्टिक के जाल में भी रख सकते हैं, मैंने ये कांच का जाल लिया है। अब सारे अचार को इसमें रख देते हैं और हमें 3 से 4 दिन की इसमें धूप लगानी है, उसके बाद हमने इसमें ऑयल घेरना है। तो ऑयल को फिर भी जब आप घेरें तो इसमें गर्म करके ही घेरें, कच्चा ऑयल ना घेरें, जितना भी आप ऑयल घेरना चाहते हैं उतना ऑयल आप इसमें घेर सकते हैं। अब ले लेते हैं एक सूती कपड़ा, सूती कपड़े से कवर कर लेते हैं और रख देते हैं इसको धूप में, और आप इसको बहुत जल्दी गल जाएगा ये अचार। अगर आप इसमें तेल ज़्यादा घेर देते हैं तो ये जल्दी गलता नहीं है, बहुत जल्दी अचार गल जाएगा। और जब 4 दिन की हम इसमें धूप लगा देंगे तो उसके बाद हम इसमें तेल घेर लेंगे। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है फ्रेंड, मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।